हम भीख नहीं मांग रहे, हम अधिकार मांग रहे हैं जो आपने वहां सरकार के पास जमा करवा रखा है, उस हकदार के सही हकदार आप लोग हैं। उस हकदार की लड़ाई के लिए आप सबको तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपका सेनापति हूं, आप हमारी सेना है। अगर हम लड़ेंगे तो हम जरूर ये हक लेकर रहेंगे। आप लड़ेंगे ये हक हम जरूर लेकर लड़ेंगे। यही बात नहीं है, यही बात नहीं है, ये तो हक की बात थी। प्रदेश कभी कर्जे के सहारे नहीं चल सकता, परिवार कभी कर्जे के सहारे नहीं चल सकता। अगर आपके परिवार में 100 रुपए की आय होती है और आप 150 रुपया खर्च करते हैं, आप देखिए आप दिन प्रतिदिन कर्जे के नीचे दबते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी सारी संपत्ति भी बिकने को तैयार हो जाएगी। वही हाल हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक जनता पर तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। जब कोई मुझसे बात करता है, हम कोई अपनी जनता को तंग नहीं करना चाहते, और प्रत्येक हिमाचलवासी, आज हमारी जनसंख्या 75 लाख के करीब हो चुकी है, प्रत्येक हिमाचलवासी इस सभागार में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जो है उस पर 92,840 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सरकार में आए हैं विलासिता की जिंदगी जिए, 5 साल बाद हमारा बदलाव आए, दूसरी सरकार आ जाए। अगर हम इस सोच से काम करेंगे तो हम आने वाले जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको भविष्य में कर्ज देकर जाएंगे। हमने ठानी है, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आने वाले 4 सालों में, मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, आप सारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी होंगे, आप देख रहे होंगे कि नीतियों में परिवर्तन किया जा रहा है, फैसले किए जा रहे हैं, जनता के हित में फैसले किए जा रहे हैं। और हम इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने यह कहा है कि हम दिन रात मेहनत करेंगे और हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 साल बाद पटड़ी पर लाएंगे। और यही नहीं है, इस दिशा में हमने कदम बढ़ा दिए हैं, हमारा बजट इस दिशा की ओर बढ़ता हुआ कदम है।